हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? अच्छे से होंगे। आज हम आटा गूंथने का तरीका, आटा को कैसे गूंथा जाता है और आटा में क्या डाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले गेहूं का आटा लिए, उसमें नमक डाल दिए हैं और सुसुम पानी से, पहले गर्म पानी कर लीजिएगा, सुसुम जैसे हाथ सह सके उतना गर्म करके आटा को अच्छे तरह से गूँथ लेना है। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी लेके आटा को हम गूँथ रहे हैं और जो पानी बचेगा उसे पूरा खौला के रख देना है। तो उसको आगे क्या करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हाथ को मुट्ठी बांध के और यहाँ पर ऐसे आप गूँथिएगा तो आटा बहुत अच्छा गूँथाएगा। और गूँथा कैसे जाता है ये हम भी बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपका हाथ में आटा नहीं चिपक रहा है या बर्तन में आटा नहीं चिपक रहा है तो समझिए कि आटा अच्छा से गुथा गया है। ये देखने का और समझने का तरीका है आटा का। तो यहाँ पर देखिए, आटा को चारों तरफ से हम घुमाएं तो देखिए बर्तन में नहीं ना चिपका, तो समझिए आटा बहुत अच्छा से गुथा गया है और इसका रोटी बहुत मुलायम भी बनता है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हम आटा को गूँथ रहे हैं और गूँथने के बाद इसको 2 से 4 मिनट तक ढक के आप रख सकते हैं, जिससे कि और आटा मुलायम होगा। तो आटा गूँथने का ये तरीका तो आपको पता चल गया। अब रोटी को कैसे रखें जो दिन भर मुलायम भी रहे और बहुत देर तक गर्म भी रहे, तो चलिए पहले हम रोटी बेल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आटा लिए, थोड़ा सा और इस तरीके से मसल लेंगे इसको और इस तरीके से आटा को मिलाते हुए और एक एक लोई करके हम सारे रोटी को बनाएंगे। रोटी बनाना है तो सिर्फ तवा पर ही रोटी को सेकिएगा, गैस पर नहीं सेकिएगा। तो हम यहाँ पर तवा पर ही रोटी को सेकेंगे। तो पहले यहाँ बेल लेते हैं। देखिए इस तरीके से आप हल्का हल्का परथन या सूखा आटा जिसे बोलते हैं वो लेके और रोटी को बेलना है। तो यहाँ पर देखिए, गोल रोटी बेला गया और यहाँ पर पहले से हम तवा रख दिए थे गर्म होने के लिए। तो पहले रोटी को डालिए और इधर एक तरफ हल्का सेकाएगा तभी आप पलट दीजिएगा, इसको पूरा नहीं सेकाना है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हम तुरंत पलट देंगे और पलटने के बाद इधर जब पलटा पकेगा तो आपको पता चल जाएगा कि रोटी पक गया है। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा थोड़ा सा बबल्स टाइप का होने लगता है। तो यहाँ पर देखिए, रोटी पक गया है। अब इसे पलट देते हैं, पलट के और आँच को थोड़ा तेज़ कर देंगे और देखिए कपड़ा की सहायता से आप इसे इस तरीके से घुमा घुमा के आप रोटी सेकिएगा ना, तो तवा पर रोटी बहुत अच्छा फूल जाता है। और वैसे गैस पर तो फूलता ही है, लेकिन तवा पर का रोटी फूला हुआ खाने से फ़ायदा रहता है, डायरेक्ट गैस पर से रोटी फूला हुआ खाने से नुकसान ही रहता है, डॉक्टर मना करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसी तरीके से हम सारे रोटी को बनाते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मेरे चैनल पर डेली का डेली नए नए रेसिपी देखने को मिलेगा और अलग अलग टाइप का कुछ कुछ ट्रिक भी बताएंगे, जिससे कि आपका काम आसान हो जाएगा, सामान रखना का तरीका भी मालूम चलेगा और क्या सामान कैसे रखा जाए ये भी आपको मालूम चलेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर चीज़ आपको मिल जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो नोटिफिकेशन भी आपके मोबाइल में चला जाएगा। और रेसिपी पसंद है तो आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर रेसिपी आपके पास चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसी तरीके से हम सारे रोटी को सेक के और रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जितना रोटी बनाना है उसको उतना हम पूरा बना लेते हैं। तो आगे भी बहुत सारे वीडियो इसी चैनल पर डाला हुआ है, बहुत सारे रेसिपी डाला हुआ है, आप जाके इस चैनल में जाइए और वीडियो को देखिए, बहुत तरीका मिल जाएगा, बहुत ही सारे रेसिपी मिल जाएगा। तो आप लोग जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं रोटी कितना अच्छा से फूला फूला बनता है, तवा पर भी रोटी बहुत अच्छा से फूल जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से घुमा घुमा के दोनों तरफ सेकते हुए रोटी को, सारे रोटी को हम बना के तैयार करेंगे। और कैसे हम रोटी को रखेंगे जो दिन भर गर्म भी रहेगा मुलायम भी रहेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम आपको ट्रिक आगे बताएंगे कि कैसे किस तरीके से रखा जाता है रोटी को। तो यहाँ पर चलिए, पहले हम आपको सारे रोटी एक एक करके हम बेल के सेक के और आपको दिखाएँगे कि सारा रोटी कैसे फूला फूला बन जाता है। देखिए बहुत ही आसान से बन जाता है, आप धीरे धीरे घुमाते रहिए और हल्के हाथों से इस तरीके से करिएगा तो सारा रोटी फूल जाता है। तो रोटी बनाना बहुत आसान है, बहुत अच्छा से होता है, और जिनको रोटी नहीं बनाना आता है तो वो भी इस तरीके से आप तवा पर सेकना चाहेंगे तो आप सेक सकते हैं। जिनको नहीं आता आप देख के सीख लीजिए कि कपड़ा से कैसे, कपड़ा से इसलिए सेक रहे हैं कि हाथ नहीं जलता है।
यहाँ पर देखिए, जिन लोगों का हाथ जलता है उनके लिए बहुत अच्छा सॉफ्ट कपड़ा ले लीजिए, और जिसका कलर ना निकले वैसा कपड़ा लीजिएगा। कलर निकलने वाला कपड़ा कभी मत लीजिएगा, सिर्फ कॉटन कपड़ा ही लीजिएगा, लॉलिन सब मत लीजिएगा, नहीं तो क्या होगा ना, तवा में सटेगा, फिर ये चिपक जाएगा, हाथ भी जलेगा और रोटी भी ख़राब हो जाएगा। तो जब भी कपड़ा लेना है एकदम सॉफ्ट लीजिएगा, कॉटन लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कलर वाला है मेरा कपड़ा, लेकिन इसमें कलर नहीं निकलता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से सारे रोटी हम सेक सेक के आपको दिखा दिए कि सारा रोटी देखिए कैसे कैसे फूला फूला बन जाता है, एक भी रोटी ख़राब नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिनको रोटी तवा पर नहीं सेकने आता है वो इसी तरह से सेकिएगा। तो यहाँ पर देखिए रोटी रखने वाला ले लिए हैं, और पहले हम आपको बोले थे ना कि गर्म पानी रख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सारे गर्म पानी रखे, उसमें ही हम पूरा भर के रख देंगे और इसे ढक देंगे। आटा गूंथने के बाद आपको ये काम करना, आटा गूंथ लीजिएगा, उसके बाद सुसुम पानी हो जाएगा, उस पानी से आटा सान लीजिएगा और वही पानी पानी खौला दीजिएगा और इसमें रोटी वाला में रख के ढक के रख दीजिएगा। और जब तक रोटी बनेगा तब तक ये बहुत अच्छा से गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के बाद फिर रोटी बन जाएगा, उसके बाद ये गर्म हो जाएगा। गर्म पानी को आप फेंक के और इसको अच्छी तरह से पोंछ लीजिएगा, और पोंछने के बाद यहाँ पर सबसे पहले एक प्लेट रखिएगा जो कि इसमें आ जाए। यहाँ पर देखिए इसमें हम प्लेट एक रखेंगे, इसके अंदर चला जाए इतना ही, उस साइज का प्लेट लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए प्लेट को हम अच्छी तरह से पोंछ लिए हैं, एक भी पानी नहीं है, और इसको इसमें रख दिया। ऊपर से एक कॉटन कपड़ा लीजिए जो कि अच्छा साफ सुथरा हो और कलर ना निकले, ऐसा वाला लीजिएगा। और सारा रोटी हम इसे बीच में रख दिए हैं और इस तरीके से ढक देंगे। इससे क्या होगा कि रोटी दिन भर गर्म भी रहेगा, मुलायम भी रहेगा, और हल्का फुल्का अगर पानी भाप से निकलेगा ना तो प्लेट के नीचे आएगा, रोटी में कभी नहीं चिपकेगा और रोटी में कभी नहीं जाएगा, जिससे कि रोटी आपका गलेगा नहीं। तो इस तरीका को ज़रूर अपनाइएगा, रोटी कभी नहीं गलेगा और रोटी हमेशा मुलायम रहेगा, गर्म रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।